कोटा के सभी छात्रों को सुवी आई हॉस्पिटल की तरफ से मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी और गर्व की बात है कि 2014 का साल कोटा के कोचिंग संस्थानों के लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि कोटा में यहाँ के कोचिंग संस्थानों की ख्याति के कारण समस्त भारत से विद्यार्थी आते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम ये सुनिश्चित करें कि यहाँ आकर विद्यार्थी हर तरह की चिंता से मुक्त होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आँखों को लेकर छात्रों के मन में कई बार काफ़ी चिंता रहती है और उनकी कुछ समस्याएं भी होती हैं। कई सारे छात्रों को आजकल चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ती है और चश्मे को और उनकी आँखों की अन्य समस्याओं को लेकर छात्र भी और उनके माँ बाप भी काफ़ी चिंतित रहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने यह कोशिश की है कि जो कॉमन आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स में देखी जाती हैं उनके बारे में हम स्टूडेंट्स को कुछ जानकारी दे सकें और उन्हें कुछ कॉमन तरीके बता सकें जिससे कि वो इन बीमारियों से को ठीक कर सकते हैं और अपनी आँखों की देखभाल कर सकते हैं और अपनी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। एंड आई होप दिस वीडियो प्रूव्स टू बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस एंड फीडबैक, डू गेट बैक टू अस और राइट टू अस, वी विल बी ग्रेटफुल फॉर योर सजेशंस। थैंक यू सो मच। हाय, कोटा के सभी छात्रों को सुवी आई हॉस्पिटल की तरफ से मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो कि स्टूडेंट्स में आँखों के कंसर्न में देखी जाती हैं और जो कॉमन आई प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स में हमें देखने को मिलती हैं। हम सब जानते हैं कि आँखें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और दृष्टि का हमारे जीवन में, खासतौर से छात्र जीवन में, बहुत योगदान है, क्योंकि हम जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में सीखते हैं उसमें से अधिकतर कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी आँखों द्वारा देखे गए जानकारी का ही होता है। जो कुछ कॉमन आई प्रॉब्लम्स छात्रों में देखी जाती हैं, छात्र छात्राओं में, वो है रिफ्रैक्टिव एरर्स यानी कि चश्मे की ज़रूरत, एम्ब्लायोपिया या लेजी आई यानी एक आँख का सुस्त पड़ जाना, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जो कि अब काफ़ी कॉमन होता जा रहा है, सरदर्द बच्चों में अक्सर देखा जाता है, एलर्जी और ड्राइनेस खासतौर से कोटा जैसे क्लाइमेट में काफ़ी कॉमन है, और इस तरह के प्रॉब्लम्स में विद्यार्थी आँखों में खुजली या जलन आदि की कंप्लेंट लेकर आते हैं। इन्फेक्शंस भी स्टूडेंट्स में कई बार देखे जाते हैं, खासतौर से जब कई स्टूडेंट्स इकट्ठे रहते हैं तो एक से दूसरे में इन्फेक्शन होना काफ़ी कॉमन है। ये इन्फेक्शन आँखों में फुंसी के रूप में या कंजंक्टिवाइटिस या आजकल बढ़ता हुआ वायरल इन्फेक्शन के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि आँखों में चोट ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक आँखों की इमरजेंसी है और कई बार विद्यार्थी जीवन में भी आँख में चोट लग सकती है या संभावना बनी रहती है और आँखों में भेंगापन भी स्टूडेंट अवस्था में देखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव एरर यानी चश्मे की ज़रूरत की या दृष्टि दोष की। ये एक नॉर्मल आँख का चित्र है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस चित्र में दिखाया गया है कि जब कोई भी दृष्टि लाइट रेज आँखों के ऊपर आते हैं तो आँखों के कॉर्निया और लेंस से उनका रिफ्रैक्शन होकर वो लाइट रेज आँख के पर्दे पर एक पॉइंट पर फोकस होते हैं। इस तरह जो चीज़ हम देखते हैं उसकी एक इमेज हमारे आँख के पर्दे पे बनती है और ये इमेज या प्रतिबिंब जब दिमाग तक दृष्टि तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व के माध्यम से पहुँचता है तो हम देख पाते हैं। लेकिन कुछ लोगों में चश्मे की ज़रूरत होती है या जिसे रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं, और ये तीन प्रकार का होता है। जो सबसे कॉमन है वो है मायोपिया, जिसमें कि हम पास की चीज़ें ठीक देख पाते हैं पर दूर का हमें दृष्टिदोष होता है, या हाइपरोपिया, जिसमें हम दूर का फिर भी देख पाते हैं लेकिन पास का देखने में दिक्कत आती है, और एस्टिगमैटिज्म, जिसमें कि हमें जनरली धुंधला दिखाई देता है और सिलेंड्रिकल नंबर चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा कि मैंने कहा, सबसे कॉमन है मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। इस तरह के दृष्टिदोष में हम पास की चीज़ें देख पाते हैं लेकिन जो भी चीज़ हम दूर की देखना चाहते हैं वो लाइट रेज पर्दे पर फोकस ना होकर पर्दे से आगे ही फोकस हो जाती हैं, या फिर इन केसेस में जो आँख का गोला है, आई बॉल है, वो थोड़ी लंबी होने के कारण लाइट रेज पर्दे तक नहीं पहुंच पाती हैं। मायोपिया में जो कि सबसे कॉमन रिफ्रैक्टिव एरर है बच्चों में, जो बच्चे हैं वो, जैसा कि मैंने पहले कहा, पास की चीज़ें देख पाते हैं लेकिन दूर की चीज़ें जैसे ब्लैकबोर्ड आदि पर नहीं देख पाते, और इस दृष्टिदोष को माइनस नंबर के लेंसेज या कॉनकेव लेंसेज लगाकर ठीक किया जा सकता है। मायोपिया में जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो यही हैं कि आप बोर्ड पर ठीक से नहीं देख पाते, ज़्यादा देखने की कोशिश करने पे छात्रों को सरदर्द हो सकता है,
या फिर अगर वो दूर का देखने की कोशिश करते हैं तो अपनी आँख को थोड़ा छोटा करने की कोशिश करते हैं। कई बार उन्हें पढ़ने आदि के बाद में सर दर्द के साथ में उल्टी जैसा एहसास भी होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हम एक कॉनकेव लेंस या माइनस नंबर का लेंस इन दृष्टि दोष में लगाते हैं तो जो लाइट रेज इस कॉनकेव लेंस पर आती हैं वो थोड़ा सा फैल जाती हैं और इस प्रकार वो पुनः फोकस जो होती हैं वो पर्दे पे होती हैं और हम फिर से स्पष्ट देख पाते हैं। दूसरा दृष्टि दोष है हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस, जिसमें कि हमें पास की चीज़ें देखने में प्रॉब्लम आती है। और ये इसलिए होता है कि आँख छोटी होने के कारण जो लाइट रेज हैं वो पर्दे के ऊपर फोकस ना होकर पर्दे के पीछे फोकस होती हैं। और इस तरह के दृष्टि दोष में पास की चीज़ें नहीं देख पाते हैं लेकिन दूर की चीज़ें देखने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हालांकि बच्चों में हाइपरोपिया काफ़ी कम देखने को मिलता है और इस तरह के दृष्टि दोष को कॉन्वेक्स लेंसेज या प्लस नंबर के लेंसेज लगाकर ठीक किया जा सकता है। तीसरा दृष्टि दोष है एस्टिगमैटिज्म या धुंधला नज़र। इस तरह के दृष्टि दोष में भी बच्चों को धुंधला दिखाई देता है और ख़ास तौर से इस तरह के दृष्टि दोष में सरदर्द की कंप्लेंट अक्सर पाई जाती है और आँखों में दर्द भी होता है, क्योंकि अगर बच्चा देखने की कोशिश करता है तो उन्हें जोर लगाने से दिख तो जाता है पर इससे काफ़ी सरदर्द या आँखों में दर्द होता है और आँखें थकी थकी महसूस करती हैं। तो जिस भी तरह का दृष्टि दोष या रिफ्रैक्टिव एरर हो उसको ठीक करने के लिए जो सबसे कॉमन और सबसे सिंपल तरीका है वो है चश्मा लगाने का। चश्मा लगाने से यह दृष्टि दोष पूरी तरह से ठीक हो जाता है और छात्रों को फिर से दिखाई देने लगता है। अब प्रॉब्लम यह है कि कई बार छात्र और छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावक भी चश्मा लगाने की ज़रूरत को देख के काफ़ी चिंता में आ जाते हैं। तो ये तो इस तरह की चिंता अपने दिमाग से निकाल दें। चश्मा आजकल काफ़ी सारे बच्चों को लगता है, ये किसी भी तरह से आपकी गलती नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि आप अपने खान पान को पूरी तरह से अगर बदल दें तो ये चश्मे हट जाएंगे। जो माइनस नंबर के चश्मे हैं वो नॉर्मली उम्र के साथ में बढ़ते भी हैं, करीब 18-20 की उम्र तक माइनस नंबर्स बढ़ते हैं, उसके बाद में फिर कांस्टेंट हो जाते हैं और इसीलिए आपको 6 महीने में या कम से कम साल में एक बार अपनी जाँच करानी चाहिए। जो बड़े बच्चे हैं जो अपनी कॉन्टैक्ट लेंसेज की देखभाल खुद कर सकते हैं वो कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकते हैं चश्मे की जगह पे, लेकिन उनको ये ख्याल रखना आवश्यक है कि वो इन कॉन्टैक्ट लेंसेज की अच्छी तरह से देखभाल करें और उनको निर्देशों के अनुसार ही लगाएं और उनकी साफ़ सफाई का ध्यान रखें। जो विद्यार्थी 18 या 20 साल से ऊपर हैं और जिनका चश्मे का नंबर अब स्टेबल हो चुका है उन्हें लासिक कराने का ऑप्शन भी होता है, जो एक तरह की लेज़र रिफ्रैक्टिव सर्जरी है और इससे चश्मे का नंबर हट जाता है। लेकिन फिर से मैं जिस बात पर जोर देना चाहूँगी वो ये कि यदि आपको चश्मे की ज़रूरत होती है तो इस चीज़ को लेकर आप मायूस ना हों या अपने दिमाग में कोई चिंता ना रखें, चश्मा लगाएं और अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि जो चश्मे का नंबर है वो आप किसी भी तरह से एक्सरसाइज करने से या खान पान बदल देने से या कुछ अलग तरह के इलाज लेने से आप नहीं हटा पाएंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप जनरल हेल्थ पर अपना ध्यान दें, चश्मे को लगाएँ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। फिर एक प्रॉब्लम जो छात्रों में देखी जाती है वो है एम्ब्लायोपिया या लेजी आई या सुस्त आई। इस तरह के प्रॉब्लम में एक आंख का विजन जो है वो चश्मा लगाने के बावजूद ठीक नहीं हो पाता, हालांकि आंख हर तरह से नॉर्मल होती है। इस तरह की प्रॉब्लम उन लोगों में देखी जाती है जिनमें या तो बचपन से कोई भेंगापन होता है या वो बच्चे जिनमें कि चश्मे का नंबर दोनों आँखों में काफ़ी डिफरेंट होता है, ख़ासतौर से अगर एक आँख में प्लस का नंबर हो। इसके इलाज के लिए कम उम्र पर चश्मा लगाना ज़रूरी होता है, पर अगर आपको बड़े होकर इस बीमारी का पता चलता है जब आप 15-16 साल के हो चुके हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ इलाज करने की संभावना नहीं होती है, परंतु दूसरी आँख इन केसेस में ठीक होती है जनरली, इसलिए आप एक आँख से अपनी पढ़ाई लिखाई आराम से कर सकते हैं। फिर आजकल कंप्यूटर्स के बढ़ते हुए प्रचलन और स्मार्टफोन्स टैबलेट्स आदि के बढ़ते प्रचलन के कारण कंप्यूटर विजन सिंड्रोम नामक बीमारी काफ़ी कॉमन हो गई है। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम एक टर्म है जो उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो कि कंप्यूटर के इस्तेमाल के द्वारा बढ़ जाती हैं। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के जो कॉजेज़ हैं जिसलिए देखा जाता है वो ये है कि एक तो जब हम कोई कंसंट्रेशन वाला काम करते हैं जैसे कि कंप्यूटर पे काम या पढ़ना आदि, तो हमारा ब्लिंक रेट यानी पलकों का झपकना जो है वो कम हो जाता है। एक नॉर्मल आँख एक मिनट में लगभग 15 बार झपकती है, पर जब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट करके काम करते हैं तो हमारा ब्लिंक रेट कम हो जाता है। साथ ही कंप्यूटर पे काम करने से हमारी ड्राई आई सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, ख़ासतौर से अगर हम ऐसे माहौल में हैं जहाँ काफ़ी एयर कंडीशनिंग है, ह्यूमिडिटी वगैरह कंट्रोल्ड है, तो एयर कंडीशनिंग के अधिक इस्तेमाल से भी ड्राइनेस बढ़ती है।
फिर आजकल ऑफिसर्स में, क्लासरूम्स में और बड़े इंस्टीट्यूशंस में जिस तरह की इंडोर लाइटिंग है, उस एक्सेसिव लाइटिंग से कंप्यूटर स्क्रीन से ग्लेयर भी होती है। कई बार हमारी जो चेयर टेबल और जो हमारा वर्क स्टेशन है, कंप्यूटर वर्क स्टेशन, वो ठीक से एडजस्टेड नहीं होता। इन सब के कारण भी कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बढ़ता है। अगर आपकी विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कंप्यूटर जो है वो पुअर क्वालिटी का है, उसकी कंट्रास्ट, उसकी जो इमेज है वो अच्छी नहीं है, या किसी भी तरह की फ्लिकरिंग लाइट है आपके कमरे में, तो इनसे भी कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बढ़ता है। और ख़ास तौर से अगर आपको कोई दृष्टि दोष है, चश्मे की ज़रूरत है, पर आप अगर वो चश्मा नहीं लगा रहे या सही नंबर का चश्मा नहीं लगा रहे, तो कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ती हैं। प्रिंटेड मटेरियल के मुकाबले कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम्स हैं कंसंट्रेशन करने की, वो ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इसमें कई बार लोअर कंट्रास्ट होता है, ब्लैक ऑन वाइट इमेजेस नहीं होती हैं, लेटर्स पिक्सेलेटेड होते हैं, जो आपका कंप्यूटर पढ़ने का डिस्टेंस है वो डिफरेंट होता है, और अगर किसी तरह के ग्लेयर्स आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देते हैं तो इसकी वजह से आपको अक्सर सरदर्द वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और मॉनिटर्स जो हैं वो किताब या पेपर के मुकाबले थोड़ा सा हायर डिस्टेंस पे होते हैं, जिससे कि आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। जिन लोगों को कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है, उन्हें आँखों में थकान होती है, आँखों में कई बार दर्द होता है, आँखें जलती हैं या सूखी या ड्राई महसूस होती हैं, कभी कभी उन्हें सिरदर्द भी होता है, और कभी कभी लगातार काम करने पर उनको दोबारा फोकस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। आपको कंप्यूटर यूज़ करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आपको कुछ कंप्यूटर यूज़ टिप्स होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। जो आइडियल डिस्टेंस है आपकी आँख और कंप्यूटर मॉनिटर के बीच में, अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं या इवन अगर आप लैपटॉप का स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, तो वो आइडियल डिस्टेंस लगभग 25 इंच माना गया है। और इसके साथ ही आपको ये भी देखना चाहिए कि आपकी जो चेयर है, जो कंप्यूटर स्क्रीन है, वो इस तरह से एडजस्टेड है कि आपका जो कंप्यूटर के स्क्रीन का सेंटर है वो आपकी आँखों के हॉरिजॉन्टल लेवल से कम 6 इंच नीचे है। जो आप फॉन्ट्स यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, वो इस तरह से यूज़ करें जिनमें कि डार्क फॉन्ट्स लाइट बैकग्राउंड पे यूज़ करें हों, जैसा कि हमारे प्रिंटेड मटेरियल में होता है। अगर जहाँ कहीं आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे साथ में एयर कंडीशनिंग भी है, तो आप इस तरह से अपने एयर कंडीशनर को एडजस्ट करें कि उसकी हवा डायरेक्टली आपकी आँखों पर ना आए। साथ ही जो आपके कमरे की लाइटिंग है वो लाइट कंप्यूटर स्क्रीन पे ना गिरे, जिससे कि आपको ग्लेयर नहीं हो। आप अपने मॉनिटर को इस तरह से रखें कि जो खिड़की से आने वाली लाइट है वो भी कंप्यूटर के ऊपर डायरेक्टली ना गिरे। और साथ ही आप एंटी ग्लेयर स्क्रीन्स जो कि आजकल अवेलेबल हैं, उनको अपने कंप्यूटर स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन पे यूज़ कर सकते हैं, या अपने चश्मे पर भी आप एंटी ग्लेयर कोटिंग करा सकते हैं अगर आपको कंप्यूटर का बहुत अधिक यूज़ करना पड़ता है। दिन भर में कई घंटे या रेगुलरली कंप्यूटर पर जो लोग काम करते हैं, उन्हें बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए। और एक रिकमेंडेड रूल है कंप्यूटर यूज़ का, 20-20-20 रूल, जिसमें कि ऐसा एडवाइस किया जाता है कि आप हर 20 मिनट पे आप एक ब्रेक लें, और उसमें आप 20 सेकंड्स के लिए किसी दूर की चीज़ पे देखें जो कम से कम आपकी आंखों से 20 फुट दूर हो, जिससे कि जो लगातार पास काम करने से आपकी नियर मसल्स जो थक जाती हैं उन्हें कुछ रिलैक्सेशन मिल सके। और जैसा कि मैंने पहले कहा, कंप्यूटर यूज़ करते टाइम हमारी आँखें जो हैं वो कम झपकती, यानी ब्लिंक रेट हमारा कम हो जाता है। इसलिए कंप्यूटर इस्तेमाल करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कॉन्शियसली अपनी पलकों को झपकें, और साथ ही साथ अगर हमें फिर भी काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस के या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम आदि के प्रॉब्लम्स हैं, तो ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और ये आराम से किसी भी केमिस्ट पे बिना प्रिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल होते हैं। तो इन ल्यूब्रिकेटिंग ड्रॉप्स को अगर आपको ज़्यादा समस्या होती है तो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। फिर आँखों में कई बार चोट लग जाती है, हालांकि ये इतना कॉमन नहीं है, पर फिर भी अगर चोट लगती है तो इसका इलाज और मेडिकल ट्रीटमेंट हमें इमीडिएटली लेना चाहिए। हमारे जैसे माहौल में जो कॉमन कारण है चोट लगने के, वो हैं दिवाली के समय पटाखों से आँखों में काफ़ी चोट लगती है, या दशहरा के टाइम तीर कमान चलाने से बच्चों में चोट लग जाती है। इसके अलावा कुछ लकड़ी से या किसी तरह के लोहे की रॉड आदि से गिरने से एक्सीडेंटली चोट लगती है। स्टूडेंट्स में कभी कभी पेंसिल पेन्स अगर गलती से फेंके गए या किसी भी कारण से ज़ोर से आके आँख पे लगे, तो कभी कभी इनसे भी चोट लग जाती है। फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड चोटें भी विद्यार्थियों में देखी जाती हैं। कोई फर्नीचर है घर में या कोई भी नुकीली चीज़ है, तो एक्सीडेंटली उससे भी चोट लग सकती है। और एक चीज़ जो शायद हमारे कोटा के कोचिंग स्टूडेंट्स में ना देखी जाती हो, पर फिर भी कुछ घरों में जहाँ चूने के पाउचेस प्रयोग में लिए जाते हैं, तो कभी कभी उस चूने के पाउच के में से अचानक चूना निकलने के कारण वो आँख में गिर जाता है। बच्चों में ये प्रॉब्लम कभी देखी जाती है।
अगर आपकी आँख में कुछ गिरा है, कोई भी चीज़, कुछ धूल मिट्टी या कोई बाल आदि गिरा है, तो उसको निकालने के लिए बेस्ट तरीका है कि आप आँख को अच्छे से साफ पानी से 5-10 मिनट तक धोएं और लगातार आँख में पानी डालें, जिससे कि वो पानी के बहाव के साथ वो धूल मिट्टी या कण जो है वो आँख से निकल सके। अगर आँख और उसके आसपास की जो खाल है उसमें खून जमा हो गया है या उसमें घाव बन गया है, तो आप एक बर्फ़ लेकर उसको किसी टावल में, साफ टावल में लपेट के आइस पैक्स लगा सकते हैं कम से कम 10 मिनट के लिए, जिससे कि वो जो सूजन है वो आपकी कम हो सके। फिर कोटा जैसी क्लाइमेट में जहाँ थोड़ी गर्मी और धूल मिट्टी आदि ज़्यादा है, वहाँ आँखों की एलर्जी और ड्राइनेस काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। ये एक छोटा बच्चा है और जिस तरह की आँखों की इसकी अपेयरेंस है, ये आँखें लाल हैं, इनमें से पानी आ रहा है और इस बच्चे को लगातार खुजली होती है, ये कॉमन सिम्टम्स हैं आँखों की एलर्जी के। एलर्जी के कारण, जैसा कि मैंने बताया, आँख में खुजली होती है, पानी आता है, आँख लाल होती है और लगातार आँखों को रगड़ने की इच्छा होती है। जिन लोगों को एलर्जी की टेंडेंसी होती है उन्हें कई बार ये प्रॉब्लम बार बार होती है, और जब ज़्यादा एलर्जी हो तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि प्रथम स्टेप से, एज अ फर्स्ट स्टेप, आप आइस पैक्स यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बर्फ़ को टावल आदि में लपेट के आँखों पर बर्फ़ लगाएं, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अगर इससे नहीं आराम आता है या आँख को धोकर और बर्फ़ लगाने से नहीं आराम आता है, तो आप ऑफ्थमोलॉजिस्ट को दिखाकर आई ड्रॉप्स लें, और किसी किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर एलर्जी होती है तो उसमें आँखों की पलक में इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं। इसके अलावा आप प्रोटेक्शन के लिए डार्क ग्लासेस लगाएं, जिससे कि धूप से, धूल से, मिट्टी से आप बचाव रख सकें और आपको ये प्रॉब्लम ना हो। जो स्टूडेंट्स कोचिंग के लिए दोपहर में काफ़ी गर्मी में साइकिल पर जाते हैं, उनके लिए रिकमेंडेड है कि वो कैप या ग्लासेस आदि का इस्तेमाल करें। फिर स्टूडेंट्स में कई बार इन्फेक्शंस भी देखे जाते हैं। एक कॉमन इन्फेक्शन है स्टाई, यानी कि आँखों की या पलक की फुंसी, जो एक छोटी सी सूजन या गांठ देखने को मिलती है आँख में, और इसके लिए बेस्ट इलाज है कि आप किसी एंटीबायोटिक ड्रॉप के साथ साथ गर्म सिकाई करें और कोई सूखा कपड़ा लें, उसको तवे पे या प्रेस से गर्म करें और दिन में 2-3 बार सिकाई करें। इसके अलावा ख़ासतौर से बारिश के मौसम में कई बार कंजंक्टिवाइटिस फैल जाता है, और उस टाइम आपको डॉक्टर को दिखाकर उनकी सलाह के अनुसार ड्रॉप्स डालनी पड़ती हैं। और ख़ास तौर से इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपनी आँख को बार बार छुएं नहीं और अपनी चीज़ें अलग रखें, और अपने पर्सनल आर्टिकल्स जैसे कि अपना टावल, तकिया आदि अलग रखें, जिससे कि ये इन्फेक्शन ज़्यादा स्प्रेड ना हो। आजकल वायरल इन्फेक्शन भी काफ़ी देखने को मिलता है, जिसमें कि आँख के कॉर्निया के ऊपर या पुतली के ऊपर कुछ स्पॉट्स बन जाते हैं, और इसके लिए आपको एक्सपर्ट केयर और फॉलोअप की ज़रूरत होती है। अब कई बार स्टूडेंट्स के मन में प्रश्न होता है कि हम अपनी आँखों की देखभाल कैसे करें, तो आँखों की देखभाल के लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आपकी पूरी बॉडी हेल्दी हो, आप अच्छा डाइट लें, फल आदि खाने की कोशिश करें, अपनी नींद जो है उसको पूरा रखें, खूब सारा पानी पिएं दिन भर में। आँखों के लिए आप प्रोटेक्शन रखें, खासतौर से गर्मियों के मौसम में या जब आंधी आदि चलती है, तो आप एक्सेसिव धूल से, हवा से, सनलाइट आदि से बचने के लिए कैप्स लगाएं, गॉगल्स लगाएं, जिससे कि आपकी आँखें जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। स्टूडेंट्स के लिए एक कन्वर्जेंस एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है और रिकमेंडेड है। साथ ही आप ये इंश्योर करें कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने आप ज़्यादा इलाज करने की कोशिश ना करें और डॉक्टर को दिखाएं। तो फाइनली मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी आँखों की अच्छी देखभाल करें, क्योंकि आपको अभी काफ़ी पढ़ाई करनी है और काफ़ी लंबी पढ़ाई करनी है, और आपकी आँखें पूरी तरह से ठीक होंगी तभी आप इस तरह की अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। उसके लिए जो 2-3 ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये कि यदि आपको चश्मे की ज़रूरत है तो सही जांच करा के सही नंबर का चश्मा लगाएं। उसके बारे में आप ज़्यादा चिंता ना करें, सही नंबर का चश्मा लगा के अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। दूसरी बात है, अपनी जनरल हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। अगर आप हेल्थ, जैसा कि कहते हैं कि हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, उसी तरह से अगर आपका तन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, तभी आपकी आँखें भी जो हैं वो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो अपनी डाइट पे, अपने स्लीप पे और अपनी नींद पूरी करने पे खूब ध्यान दें और खूब सारा पानी पिएं। और इसके साथ ही यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप उसके लिए अपने जो भी आपके पास डॉक्टर अवेलेबल हैं, आपके कई सारे इंस्टीट्यूट्स में कुछ डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, या जो आपके निकटतम डॉक्टर हैं उनको ज़रूर जांच कराएं और ज़रूरत पड़ने पर एक्सपर्ट एडवाइस भी लें, जिससे कि आपको इस बारे में कोई और प्रॉब्लम ना हो। तो कोटा के सभी स्टूडेंट्स को मैं एक बार फिर से अपनी शुभकामनाएँ देना चाहूँगी। आप सभी लोगों का भविष्य उज्ज्वल हो,
और आप खूब पढ़ाई करके मेहनत करके अपना भविष्य संवार सकें, जिसके लिए कि आप इस शहर में आए हैं और आपके अभिभावकों ने आपको यहाँ भेजा है। और इसके साथ साथ ज़्यादा टेंशन ना करें, क्योंकि टेंशन मुक्त माहौल में ही आप अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। और जहाँ तक आँखों की समस्या है, हर समस्या का इलाज संभव है और उसकी केयर से आप अपनी आँखों को स्वस्थ भी रख सकते हैं। इन छोटी चीज़ों पर ध्यान दें और बिना किसी टेंशन के आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, जिससे कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। थैंक यू।